1942 भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिरपुरा में कस्तूरी जवानी की ड्योढ़ी पर खड़ी गांव के अनेक बंधनों को तोड़ने की कोशिश में छटपटा रही थी, टूट रही थी, बन रही थी। जे का है? जे है वर्णमाला। वर्णमाला का होती है? वर्णमाला यानी अक्षरों की माला। देखो, अक्षरों को जोड़ देने से शब्द बनते हैं, शब्दों को जोड़ देने से वाक्य, और वाक्यों को जब हम जोड़ देते हैं तो भाषा बन जाती है। जैसे ये देख, का का मा मा ला ला कमल कमल कमल। चल लिख, का मा मा ल कमल। हाँ ठीक है। अच्छा चल, अब मात्रा लगाना भी सीख ले। आ, आ को आ बनाने के लिए आ के आगे एक सीधा डंडा खींच दो, ठीक है? ठीक। अब चल लिख, आम आ आ म म। हाँ आम। अब लिख राम, फिर नाम और फिर काम। लिख रा म राम ना म ना का क का म काम। ठीक है, शाबाश। हमको तो एक ही बात की फिक्र लगी रहती है रामश्री, तुम तो शादी करके ससुराल जा रही हो, फिर हमको लिखना पढ़ना कौन सिखाएगा? हमारी शादी को अभी एक महीना है, तब तक हम तुम्हें इतना पढ़ना लिखना सिखा देंगी कि तुम हमारी चिट्ठी पढ़ सकोगी और उसका जवाब हमको लिख सकोगी। कहाँ मालूम, हम कहीं सब भूल भाल ना जाए। अभ्यास करोगी तो काहे भूलोगी। ये देखो, ये वर्णमाला की पुस्तक, इसे अपने पास रखो और इससे रोज अभ्यास किया करो। ठीक। और तुलसीदास जी ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान। जी, तुम्हारी किताब। हमने कह दई सो कह दई, हम शादी नहीं करेंगे। मौड़ियों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, तनिक मान मर्यादा का ख्याल रख के बोल। और शादी नहीं की तो हमारे ससुराल वाले क्या कही, बहन को बिठा रखे। अरे कमला, राधा, रामश्री सभी की शादी हो गई और तू शादी ना करेगी? अरे इतना भी नहीं समझती कि तेरा बोझा छाती से उतरे तो इस बड़े की शादी की सोचे? हाँ अम्मा, हम जी शादी नहीं करेंगे बस। आदरी का कहेगी, लोग का कहेंगे, जय जो कहना है। कस्तूरी, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ काकी? थोड़ी रामश्री की चिट्ठी आई, तुम पढ़ोगे बिन्नु? हाँ बैठो। अम्मा हम खो इत्ते सब सबकी बहुत याद आत, सास बहुत गुस्सा करत, हम खो उत्ते बुला लो कस्तूरी कैसी है? है रामश्री को बुलाए लो काकी। बेटा शादी कह दी तो ससुराली सब कुछ है। काहे काकी, शादी के बाद क्या बेटी बेटी नहीं रह जाते? बेटा गरीब परिवार है, भगवान के ऊपर है, अब तो वो ही सब कुछ है, उसका ससुराल ना सब कुछ।
रोजे लाल के घर जाई तो राज करे कस्तूरी, आगे पीछे कोई है नहीं, खेत खलियान सब उसका ही होगा। पर मौड़ी हाँ करे तब ना, अरे शादी के नाम से तो मरखनी गाय जैसी बिदकत है। जो उससे पूछने की जरूरत नहीं अम्मा, अरे वर की उम्र तनक ज्यादा जरूर है पर मर्द की उम्र देखी नहीं जाती। उल्टा दिल के इतने सज्जन की कहने लगे दान दहेज कछु न लई, उल्टा चार पैसे दई जिससे कि लगान छूट सको। अच्छा, और नहीं तो क्या, फिर बोले कि अदला बदले की शादी कर लो। सो कैसे, कस्तूरी हमका दे दो, बदले में हमारी बहन अपने भाई के लाने ले लो। तुम तब हमर पाड़ने की तैयारी करो छुट्टन, ब्याह पीछे जो चूं चपड़ करेगी तो चुटिया पकड़ के काबू में रखवे बारा मरद होगा। हाँ। लेकिन जे बात की कस्तूरी को भनक नहीं लगनी चाहिए, बारात आ जाए झक मार के शादी करनी पड़े। ठीक है हितराम। का ठीक है? अरे चार पैसे के लाने एक बुढ़ाओ के साथ हमारा ब्याह रचवाओगे, कछु लाज शर्म है कि नहीं तुम्हारो को? हम तुम्हारे गोड़ बड़त है, मरी बात ना बिगाड़। अरे हम अरे तुम्हारे भले के लाने ही ब्याह कर रहे है, तुम तो देख ही रही हो तुम्हारे बड़ो भाई खटिया पकड़ के बैठो है, खेती में भी कछु नहीं होते, बिना जो तुम्हारी उम्र बची है तो को तुमसे ब्याह करिए। जिनकी बेटियां कवारी रह जाते ना उनकी सात पीढ़ियां गल जाते। नहीं अम्मा, हम जे ब्याह नहीं करेंगे। बचन प्रसाद, या तो लगान दे या फिर सोना चांदी है जो है निकाल। घर में बुनी भाई नहीं है, जमी दरता है, जो था सब एक एक कर बेच दिया हमने, फसल सुई ई दफा चौपट हो गई है। ये ऐसे नहीं मानने वाला, जाओ देखो इसके घर में क्या। कहाँ जा रहे हो? जमींदार साहब, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। साहब बहादुर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अब आप जो बात कहें। हमको कुछ नहीं सुनाना समीदार, लगान लिए बिना हम नहीं चाहेगा, अगर इसको फ्रिकार दिया तो ये फिर लगान नहीं देगा। टीच हिम। अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कोई बचाओ बाबू को, अरे बचाओ। सारे लोग कान खोल कर सुनो, जिसने भी लगान नहीं दिया है वो फौरन से पेश चलाए, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। ए कहां ले जा रहे हो? छोड़ो, नहीं छोड़ो, छोड़ो, आग लेके जा रहा, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ। लगान ना दी तो सिपाही घर में घुसकर तोड़ फोड़ करेंगे, कुंवारी मौड़ियन को साहब बहादुर के लाने खींच के ले जाते हैं। तो कहना क्या चाहते तुम?
लागत है अम्मा, हमको ब्याह करने से बहुत डर लागत है। क्या मैं डरवे की का बात है? हमको सती होवे से बहुत डर लागत है अम्मा, हम जल के भस्म नहीं होना चाहते। ऐसी अपशगुनी की बात ना कर बिन्ना, तुम्हारा सुहाग 100 बरस जिए, तुम काहे सती होगी? काहे कि पति मरेगा तो सुहाग मरेगा, और सुहाग मरेगा तो हमको जल के मरना पड़ेगा ना। पर तुम्हारा पति मरेगा काहे? काहे से कि तुम जिससे हमारी शादी करा रही हो ना, वो बीमार रहते हैं, और तुम तो यही चाहती हो कि वो मरे और हम ओके साथ भस्म हो जाए रेशम कुंवर की तरह। चेका कह रही है? हम सही कह रहे हैं अम्मा, रामश्री ने हमको सती रेशम कुंवर की किताब पढ़वे को दी रही, जा में लिखो है कि रेशम कुंवर सती नहीं होना चाहती थी। अरे उको तो गांव वाले ने अफीम खिलाकर जबरदस्ती चिता पे बिठा दिया था और भस्म कर दिया था, और बाद में मंदिर भी बना दिया। तू ना, तुझे पोथी पतरा पढ़ के बर्बाद हुई है। जे भी ना सोचती कि शादी ना करी तो कैसी दुर्गति होगी। अरे भाइयों के पीठ पे कोड़ा बरसेंगे। अरे सतबासी, तुझे मारने के लाने तो हमने अपने पेट पे पसेरी मार ली थी, भी ना मरी। तेरे जन्म दे ही तेरा बाप हमें गोरों के आगे छोड़कर भाग गया। तू मरी नहीं, तू दीवों के दीवों के। अरे जे भी ना सोचती कि बड़ा भाई पीलिया करोगी है। शादी हो जाती तो कुछ सहारा पा जाता, आदमी की बीमारी का बहाना करके ब्याह को मना करती है। कुरक्षिणी मर क्यों ना गई तू? अरे बस कर अम्मा, मर जाती जय नहीं मरेगी जाता। अरे का बस करे, गौरों के डर से जो तुम दो भाई भी हमको छोड़कर चले गए, तो चेटी गोरी तो तू चौतरा करके जिंदगी भर बैठेगी। चाहे हमको मार डालो पर हम जे शादी नहीं करेंगे बस। पर शादी कैसे नहीं करेगी? छोड़ो शादी नहीं करेगी। अरे पैदा ना होती मर जाती। सुनो सुनो सुनो, साहब बहादुर को ऐलान है, जिनके ऊपर लगान बाकी है उनके जमीनन की नीलामी हो जाए, घरन की कुर्की हो जाए, और हुकुम खिलाफी करवे बारन को 10-10 कोड़े मारे जाए सो अलग। जिनके ऊपर साहब बहादुर को लगान बाकी है उनके नाम ध्यान से सुनो। केशव राम बल्द भोले राम, जीवन लाल बल्द काशी लाल, भूपेश हलवाहा बल्द लच्छी हलवाहा, नंदलाल बल्द ज्वाला प्रसाद, रामलाल बल्द हरी प्रसाद, मोहनलाल बल्द श्यामलाल, भत्तू बल्द मुल्लू, लाला राम बल्द गंगाराम, माता दीन बल्द रामदीन, शरीफा बल्द केसर। Thank you.
वनतने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय वीर बजरंग बली। जय 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 वीर बजरंग बली। जय जय वीर बजरंग बली। जय 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 वीर बजरंग बली। राम राम पंडित जी। जय जय मेरे प्रभु। जय जय मेरे प्रभु। जय जय मेरे प्रभु। जय जय वीर बजरंग बली। क्या बात है, का हो गया तुम्हारों को? पंडित जी, वो बचन प्रसाद की बेटी को साहब बहादुर के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। अब तो पूरे गांव की इज्जत खतरा में है पंडित जी। तो इतने कौन तुम्हारी मदद करे है? अब पंडित जी, हम सब तो जौहर कर लेंगे। ना, जौहरे करवे की जरूरत नहीं है। सब गांव वाले जाके जमींदार साहब से कहो कि वसूली की म्याद और बढ़ा दे। हम भी तुम्हारों की तरफ से विनती करते हैं। जमींदार साहब आखिर है तो इसी गाँव के आदमी, घबरावे की जरूरत ना है। चलो हमारे साथ चलो। हाँ, जय जय जय, सही है। चलो पंडित जी बात करेंगे तो असर पड़ेगा। अच्छा, तो जमींदार साहब नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। गांव की मर्यादा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हम लगान माफ नहीं करवा सकत, लेकिन हमारी साहब बहादुर से बातचीत भई है। अगर तुम लोग दो चार दिना में एक चौथाई राशि जमा करा दोगे तो कुछ दिना के लिए वसूली टल सकत है। श्रीमान जी, तुम्हारों को पसंद हो तो बोलो। अरे भैया, लोटा थाली गाय गोरु बेच बाच करी तुम साहब बहादुर के गुस्से से बच सकत हो, नहीं तो भैया वही फजीयत होए जो बचन प्रसाद की। भाई ज्यादा वक्त नहीं है तुम लोगों के पास, अब जाओ यहां से, नहीं तो साहब बहादुर हम पे ही धसे। इधर आ रहे। चलो। अरे ठीक से कर। और भैया, अरे अपने बारे में कछु बताओ तो, सब ठीक तो है? और हमारी नहीं पूछो बद्री प्रसाद, शादी ब्याह तो हुई नहीं हमारा। हमारा मन तो वो है कि संन्यास ले। अरे बाबूजी, ये संन्यास लेवे की उम्र नहीं है। अरे दो बाल पक जाए तो का मरद मरद नहीं रहे यार। लो, अरे कस्तूरी आ। राम राम। का चाहिए? कछु लेने नहीं जी, कलसिया बेचने आया। दिखा। वैसे तो ये कलसियां तीन तीन आने में जाते हैं, पर तुमोरन की हालत हमसे देखी नहीं जा। लो ये आठ आना। क्यों भैया, कौन थी है? आप भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, कहिए तो बात चलाऊं। मान जाएंगे? अरे मानेंगे काहे नहीं, खाने को घर में कुछ है नहीं, कपड़े लत्ते के भी लाले पड़े हैं, और गोरों के कारण दे तो वैसे भी कुंवारी लड़की को टटोलते फिरते हैं। हम आज ही उनकी अम्मा को खबर भिजवाए दे, बस अपना मन पक्को कर लो। कछु धन दौलत निछावर करोगे तो उनके भैया ब्याह कराने में देर नहीं करेंगे। भैया हमारी तो कोई शर्त ना है, शादी हो जाए बस। काहे कि घर में दद्दा अकेले हैं और कोई देखभाल करने वाला है नहीं, हम काम धंधा से दिल्ली बंबई जाते रहे थे। लड़की गुड़ी है, हम खबर भिजवा दे। भैया लेन देन की बात आप कर लो। अब हमारो पैसों मुंबई से आयो नहीं है, आप ही को कोई इंतजाम करवे का पड़ी। अरे तो हम काहे के लाने हैं, वो इंतजाम हम कर दे। सरकार मैंने सब लोगों से ही लगान ले लिया है, बस दो चार लोग रहते हैं उनसे भी ले लूंगा, आप परेशान ना हो। You're responsible for collecting the tax. Don't forget. तीन साल से पानी नहीं करो जमींदार साहब, हमें थोड़ी मोहलत और दे दो। हम और मोहलत नहीं दे सकते, जहां में साफ साफ लिखो है नंदलाल बोल ज्वाला प्रसाद, लगान की रकम 2 रुपया निकाल। हमारी तबीयत ठीक नहीं है जमींदार साहब, हमें माफ कर। अब बात हमारे हाथ में नहीं है, समझा रहे इसको? कोड़े मारवे की जरूरत नहीं है, जेलो ठंडी।
ज्वाला की घरवाली, तुम्हारे बेटों से तो ज्यादा समझदार है तुम्हारी बेटी। अपना जान के कह रहे हैं, हाथ पीले करवा दो इसके। कहीं साहब बहादुर की नजर चढ़ गई तो मैंने बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, समझे? चलो रे। जी कैसे दिन दिखा रहे हो भगवान जी। Oh, my God.